आसमान से बरपता कहर, खंडहर में तब्दील होते शहर। मलबे के ढेर को देखकर यकीन नहीं होता कि इन घरों में कभी जिंदगी मुस्कुराती होगी, खुशियां खिलखिलाती होंगी। तस्वीरें लेबनान की हैं, जहां चारों ओर बस तबाही ही तबाही नजर आती है। अल नौया बारजा बिंत जेबिल, शहर दर शहर जिंदगी पनाह मांग रही है। लेबनान में 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, 2300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में गरीबी 2012 से 2022 तक 3 गुना बढ़ गई है। बैंकिंग सिस्टम की हालत पूरे तौर पे पहुंच गई है। विश्व बैंक के अनुसार लेबनान की लगभग आधी आबादी गरीबी के दलदल में फंसी हुई है। जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की सारी कोशिशें दहाड़ मारकर रो रही हैं। पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि या तो वे हिजबुल्ला को चुनौती दे या फिर लेबनान को दूसरा गाजा बनाने के लिए तैयार रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू का ये बयान लेबनान में एक गृह युद्ध शुरू करने जैसा है। ये रणनीति लेबनान में लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती है। इस तरह लेबनान इस मुहाने पर पहुंच गया है कि जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। ना तो इजराइल जंग रोकने को तैयार है और न ही देश के पास इतने संसाधन है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित रख सके, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं दे सके, जिंदगी की बुनियादी चीजें मुहैया करा सके। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने गाजा में भयानक तबाही मचा रखी है। इजरायली सेना लगातार हवाई हमले कर रही है। बमबारी के बाद उठता धुएं का गुबार बता रहा है कि इजराइल किस हद तक अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारने के प्रति प्रतिबद्ध है। इजराइल शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाने से भी परहेज नहीं कर रहा। बारूद से बोझल सारी फिजा है, मौत की बू फैलाती हवा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एक विमान ने सीरिया के तटीय शहर लटाकिया के पास हमला किया। मिलिट्री ऑफिशियल से मिली जानकारी के मुताबिक हमला मिलिट्री जीपों को निशाना बनाकर किया गया। इजराइल के आक्रामक तेवर को देख ईरान की घिघी बंधी हुई है। वो खौफ के साए में सांस लेने को मजबूर है। खबर है इजराइल ईरान पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनाव से पहले इजराइल ईरान के हालिया मिसाइल हमले का जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।